मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अपना एमपी में शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस विधायक की मुलाकात के बाद क्या बात हुई इस बारे में हम आपको बता दें कि अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। दरअसल कांग्रेस विधायक के विजन डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पहुंचने की जानकारी मिल रही है कि बैठक के बाद सिंघार ने सरकार पर कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने सीएम से बीजेपी ही विधायकों की तरह कांग्रेस विधायकों के लिए विकास राशि जारी की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सब साथ मिलकर काम करेंगे। में हमने विकास कार्य को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है, हमने कहा कि विधायक जनप्रतिनिधि होते किसी पार्टी के नहीं। आप भी मुख्यमंत्री हैं तो प्रदेश के, तो आप सबके राज धर्म का पालन करते हो, न्याय होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को आश्वासन दिया है। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती है जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक कांग्रेस के चाहे बीजेपी के अपने विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए, 5 साल में वो अपने विधानसभा में काले जाना चाहते हैं और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज के दौर में जब मध्यप्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, हम अपने मध्यप्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इसी प्रकार से विकास के मामले में देश का नंबर वन राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और प्रदेश के विकास और क्षेत्र के मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर ये विजन डॉक्यूमेंट कितना कारगर होगा, इस पर आगे सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिलेगा कांग्रेस पार्टी के विधायकों को और कांग्रेस पार्टी के विधायकों का सरकार में कितना विश्वास रहेगा, इन सभी विषयों पर आज बातचीत हुई। इस बारे में और डिटेल जानने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया के पास। शैलेंद्र, लगातार इस मीटिंग पर आपकी नजर थी, अभी जो चर्चा हुई उसके बाद मीडिया से भी विधायकों ने बातचीत की, नेता प्रतिपक्ष ने बातचीत की, मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन क्या आउटकम निकल के आया, क्या आउटपुट मिल रहा है इस मीटिंग का, कितना लाभ क्षेत्र की जनता और उसके लिए काम करने वाले विधायकों को मिल सकता है? देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके जो बयान आए हैं, चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात हो या नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात हो, दोनों की तरफ से बात का उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है और सभी विधायकों को ये कहा है कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर आप विजन डॉक्यूमेंट्स बनाकर लाइए कि आने वाले 4 साल में आप अपने विधानसभा क्षेत्र को कहाँ देखना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो जिस बात को लेकर लगातार ये मांग कर रही थी कि बीजेपी के विधायकों से विजन डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, उन्हें फंड देने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस विधायकों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से मुलाकात हुई तो सभी कांग्रेस के विधायक इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आए कि मुख्यमंत्री ने कहा है तो उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। और यही कारण है कि अब आने वाले 7 दिन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट लेकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। और मुख्यमंत्री जी साफ तौर पर ये कहा है कि न केवल बीजेपी के विधायक बल्कि कांग्रेस के विधायकों के साथ मिलकर वो मध्य प्रदेश का विकास करने में काम करेंगे। तो जिस तरीके से बजट डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरे दिनों से लगातार सियासत हो रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले दौर में केवल बीजेपी के विधायकों को बुलाया था, उनसे बजट डॉक्यूमेंट्स मांगा था, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही थी। लेकिन आज इस तरीके से लगभग 1 घंटे की मुलाकात सीधे में कांग्रेस विधायक हुई है, तो उसे लगता है कि प्रदेश के विकास को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल के जो विधायक हैं वो एक साथ चलेंगे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस भी लगातार इस बात को कह रही थी कि मुख्यमंत्री को राजधर्म का पालन करना चाहिए जब विधायक चुन जाता है। और ये जनता के विकास के लिए जरूरी है कि जो विधायकों की मांग है वो सरकार तक पहुंचे, सरकार को पूरा करने का प्रयास करे और सरकार के द्वारा किए गए कामों का लोगों को भी लाभ मिले और उसका विश्वास भी बना रहे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और तमिलनाडु के एनआईटी त्रिची से लापता इंदौर की ओजस्वी गुप्ता का 15 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। बेटी की तलाश में त्रिची गई माँ और भाई, निराश होकर खाली हाथ वापस लौट आए। वहीं परिजनों ने बेटी की तलाश के लिए अब इंदौर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि एनआईटी त्रिची में ओजस्वी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दी गई थी, जिसके बाद उस क्लास के छात्र थे उसे परेशान करने लगे। इस बात से आहत होकर उसने लेटर खोला और वो चली गई।
अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने त्रिची के एसपी से और डीआईजी से बातचीत की है और इस पूरे मामले में दावा किया है कि जल्द ही ओजस्वी ढूंढ ली जाएगी और ओजस्वी जल्द वापस लौटेगी। ऐसा बता दें कि जो एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जब आखिरी बार उस लड़की ओजस्वी गुप्ता को जाते हुए देखा गया था उस वीडियो में, और इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोग काफी हताश निराश। बच्ची की 14-15 तारीख से गई हुई, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है। मोबाइल बंद है, स्विच है बंद है, और वहाँ की पुलिस कह रही कि हम सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और यहाँ जो वाले हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं गया सबसे पहले, मैं वहाँ पे सब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही दिन मीटिंग बुलाई, डीएसपी को बुलाया सारा, उन्होंने बोला कि यार जैसे ही उनको पता चला, सब कर रहे हैं वो लोग भी लगे हुए पुलिस को एफआईआर, जैसे ही उनको पता चले रात में ही कर दिया था उन्होंने, 15 तारीख को रात को पता चला, वो ये रात भर रात में एफआईआर कर दी थी पुलिस, तब से लगी हुई है, सब कैमरे इवन कॉलेज के अंदर बाहर सब कुछ देखा उन्होंने, बाहर जाते हुए उनको दिख गई कॉलेज के, बट उसके बाद वो बस बैठी है, वो भी दिखा है एक कैमरा था वहाँ पे, वो भी बाहर की किसी शॉप पे बस से जाती थी, उसके बाद वहाँ पे कोई उनके परिवार वाले आए थे, उनका ये था कि त्रिची पुलिस से आप एक बार बात कर लें, तो मैंने उन्हें ध्यान लाया कि त्रिची में ये त्रिची का रूरल डिस्ट्रिक्ट आता है, उनके एसपी मिस्टर वरुण उनसे मेरी बात हुई और त्रिची के डीआईजी मिस्टर मुंडा उनसे मेरी बात हुई, और वो लोग भी काफ़ी मेहनत के साथ इस पूरे प्रकरण में लगे हैं। हमने उन्हें बताया कि यदि इंदौर पुलिस से कुछ मदद की आवश्यकता होती है तो वो ज़रूर हम लोग उसमें देंगे। और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने त्रिची कॉलेज से लापता इंदौर की बेटी के लिए चिंता जाहिर की, और त्रिची से लापता हुई इस बेटी को लेकर जीतू पटवारी ने एक्स पोस्ट किया और लिखा, इंदौर की बेटी ओजस्वी गुप्ता तमिलनाडु के प्रतिष्ठित कॉलेज से लापता है, बेटी के माता पिता गहरी चिंता में है और तमाम आश्वासनों के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, मेरा सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी से ये निवेदन है कि प्रदेश की बेटी को ढूंढने के लिए शासन के स्तर पर तमिलनाडु सरकार से बातचीत करें और उन्हें जल्द से जल्द वापस घर लाएं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त जो बच्ची है उससे जो स्टूडेंट है उसे तलाशने के लिए बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो पा रही, बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता से। मिथिलेश, अभी की जो स्थिति है वो 15 दिन बाद भी सुराग कोई नहीं लगा है, पता कोई नहीं चल पाया कि आखिर वो कहाँ गई लड़की, और अभी बात एक और सामने आई है जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो कोई गुम गया है या खो गया है तो उसे तलाशना आसान है, लेकिन अगर कोई खुद जगह को छोड़कर चला गया है उसे तलाशना बहुत मुश्किल है, इस बारे में भी कोई इनपुट मिल पाया है क्या? वो घर के लोगों से भी कुछ नाराज थी या उसके जाने का सिर्फ एक वही कारण जो उसे क्लास में प्रताड़ित किया जा रहा था, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस बारे में? इंदौर प्रशासन और मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, अगर ओजस्वी की बात की जाए तो ओजस्वी के माता पिता से लगभग 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इंदौर एयरपोर्ट पर ही मुलाकात हुई थी। परिवार के लोगों से मिले, उनके पिता ने पूरी घटना बताई कि बेटी ने एक 4 पेज का एक पत्र लिखा है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। उनकी बेटी NIT में एडमिशन लिया था, PG की वो फर्स्ट ईयर की छात्रा, लेकिन उनकी जो बेटी है वो लापता है। आखिरी जाते वक्त जो कॉलेज का कैंपस है उससे बाहर निकलते हुए का CCTV भी सामने आया था। पूरे मामले में गंभीरता से मुख्यमंत्री उनकी बात सुनियो, उन्होंने कहा कि इंदौर की बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी, उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार चिंतित है, आपने संज्ञान में डाला है, तमिलनाडु से जो बेटी गायब उसको लेकर वहां के सरकार से बातचीत की जाएगी। हाथों हाथ वहां पे जो इंदौर महापौर मित्र भागवत थे, मौजूद थे वहां पे, उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने वहां के तमाम बड़े नेताओं से भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की,
कि ओजस्वी कहाँ है, इसकी तलाश जो है वो वो तेज होनी चाहिए। अब उनकी जो भाई है वो लगभग 14 से 15 दिन जो है इसके बाद वो इंदौर आए और उन्होंने इंदौर पे आकर मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले उनके साथ आसपास की जो पर्यटक स्थल है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, जो रेलवे स्टेशन है, हर जगह गए, हर जगह ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ढूंढ नहीं। परिवार की चिंता का कारण बना हुआ है, लोग जो प्रयास लोग हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो गई तो गई कहाँ, और अगर एक भी आश्वासन उनके पास ये होता कि वो किसी जगह पर है और सुरक्षित है तो संभव है कि वो इतने परेशान भी ना होते। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मंदसौर के नारायणगढ़ गांव में 48 वर्षीय एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सामने आया और उस शख्स के कपड़े उतार कर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं पीड़ित ने पुलिस में 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। यह घटना 28 सितंबर की है। दरअसल पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते यह सब कुछ किया गया। और छतरपुर में महिला का स्वास्थ्य कर्मचारी का रिश्वत मांगने का एक वीडियो सामने आया। महिला स्वास्थ्य कर्मचारी ने सुरक्षित प्रसव करवाने के एवज में प्रसूता के परिजनों से घूस मांगी है। वहीं पीड़ित परिजनों ने BMO गौहार से महिला स्वास्थ्य कर्मचारी की शिकायत की है। और ग्वालियर में विधायक निधि से बनाए गए तोरण द्वार को हटाने के लिए रात में नगर निगम का अमला पहुंचा। सोमवार को ही मुरार इलाके में तोरण द्वार लगाया गया है और सूचना मिलने के बाद आम लोग और कांग्रेस पार्षदों ने जोरदार विरोध किया। तोरण द्वार के नीचे जमा होकर लोगों ने नारेबाजी की। विरोध को देखते हुए नगर निगम का सिंगरौली में 30 दिन से लापता एक लड़की को पुलिस ने बिहार के औरंगाबाद से बरामद किया है और इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल पीड़ित के मुताबिक 30 दिन तक उसके साथ तंगी हो रही। आरोपी ने रस्सी से लड़की को बांध कर रखा हुआ था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके भाई से मिलाने का झांसा देकर उसे बिहार उसे ले गया और जहां उसके साथ लगातार रेप किया गया। और इधर पीड़ित के परिजनों के मुताबिक जब लड़की लापता हुई थी तब उनकी पुलिस थाने में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन पुलिस कोई ध्यान नहीं दिया। और इंदौर में एक बुजुर्ग महिला को पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर बदमाशों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। बदमाशों ने वीडियो कॉल के जरिए महिला को डिजिटल अरेस्ट किया था और फिर महिला से 40 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। वहीं महिला ने 5 दिन बाद इस पूरे मामले की शिकायत की है। दरअसल महिला को यह बताया गया कि उनका एक पार्सल है, उस पार्सल में ड्रग्स है और वो उनके नाम पर है और इस तरह से डिजिटल अरेस्ट किए जाने के बहुत सारे मामले सामने आए।
आपको बता दें कि ये एक साइबर क्राइम का नया तरीका चल पड़ा है, और अभी इस तरह के अपराधों से थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉल आता है, आपको ये बोला जाता है कि आपके नाम से पार्सल है, इसमें ड्रग्स मिला है फलाना, या इस तरह की कोई भी आरोप आप पर लगते हैं, तो आप ये जानिए कि कोई भी क्राइम ब्रांच की टीम, कोई भी साइबर डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट आपको कभी भी वीडियो कॉल करके आपसे कन्फेस नहीं करवाएगा।